हफ्ते पूर्व बहराइच जिले के फकरपुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर व माधोपुर में 24 घंटे के अंदर 3 मासूमों व महिला की हुई निर्मम हत्या का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई है वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। मासूमों व महिला की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग व लाखों की रकम हड़पने का मामला उजागर हुआ है। हत्यारों के सरगना ने महाराष्ट्र में महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी प्रॉपर्टी बिक्री कराने के बाद बहराइच लाकर 3 मासूमों महिला की गला रेतकर उनकी हत्या करके अलग अलग स्थानों पर उनके शव फेंक दिए थे। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में आईजी देवी पाटन मंडल राकेश सिंह ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त ननकू मुंबई में काम करता था, वहीं पर क्रिश्चियन महिला मेरिकाशी से उसके प्रेम संबंध हो गए थे। महिला द्वारा अभियुक्त से शादी का दबाव बनाने पर अभियुक्त महिला को उसके 3 बच्चों के साथ अपने गांव चलने का बहाना बनाकर ले आया था और मुंबई में साथ काम करने वाले अपने गांव के 2 साथियों की मदद से 3 बच्चों व महिला की गला रेतकर हत्या करके अलग अलग स्थानों पर फेंक कर फरार हो गए थे। एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए थाना फखरपुर के ततेहरा निवासी 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को शासन द्वारा 1,00,000, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 50,000 और SP द्वारा 25,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में सहायता करने वाले स्थानीय लोगों को भी 25,000 का इनाम दिया जाएगा। देखिए ऐसा कि सामान्य रूप से हम लोग ने भाजपा का जनता को बताया कि वो सुलझा देगा, 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस बीच कई लोग आए उस गाँव के आसपास, उन लोगों ने जिसको भी भुलिया रंगरूप पोस्ट बताया। हमारी जो तकनीकी टीम थी, तकनीकी टीम को और खासतौर से वो जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन से हम लोग को आया कि इस तरह की हत्या 3 परिस्थितियों हो सकती है। एक महिला की हत्या, साथ ही उसके बच्चों की हत्या, कोई भी आदमी अपने बच्चों की हत्या सामर्थ्य नहीं कर सकता। तो इस विशेष रूप से हत्या करने वाला आदमी महिला से जुड़ा हो सकता है लेकिन बच्चों को नहीं काटेगा। इस आधार पर उन्होंने आगे स्टोरी बढ़ाया और बाकी जो गाँव के जो मिले उन्होंने पूरा रुझिया बताया लोगों का कैसे थे क्या था।